हेलो दोस्तों, क्रिकेट अपडेट पर आपका स्वागत है। आज हम तीसरे T20 की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और ये जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 का इंडिया का स्क्वाड है, ये स्क्वाड कितना गलत है कितना सही है, आज मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। इंडिया का प्लेइंग कुछ इस तरीके से रहेगा, सुमन गिल और ईशान किशन यही ओपनिंग रहेंगे। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव ही खेलेंगे, नंबर 4 पे तिलक वर्मा ही खेलेंगे, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या ही खेलेंगे, नंबर 6 पर जो सैमसन रहेंगे, नंबर 7 पर अक्षर पटेल ही खेलेंगे, नंबर 8 पर अभी विष्णु खेलेंगे, नंबर 9 पर यूजी ही खेलेंगे, नंबर 10 पर अर्शदीप ही खेलेंगे। लेकिन नंबर 11 पे मैं चेंज देखता हूँ कि मुकेश कुमार को बाहर करके थोड़ा सा पेस लाने को, तो उमरान मलिक इस दूसरे T20 में खेल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 में बात करें तो वेस्ट इंडीज का प्लेइंग नो चेंज। जैसा उनका प्लेइंग 11 पहले T20 के लिए था, दूसरे T20 के लिए वही प्लेइंग 11 रहेंगे। ब्रेंडन किंग और काइल मार्श ओपनिंग ही करेंगे, डेथ वैसे ही रहेगा और मिडिल ऑर्डर में निकलस पूरन, सिमरन हेडमायर, रोबन पावल ही संभालेंगे और डेथ बॉलिंग संभालेंगे अल्जारी, जोजब, मोकोय। तो नो चेंज, वेस्ट इंडीज की प्लेइंग में पहले T20 जैसी रहेगी। T20 का हारने का एक प्रमुख और सबसे बड़ा वजह बताएं तो इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो सबसे बेकार है। मतलब यार मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि संजू सैमसन क्या नंबर 6 वाला खिलाड़ी है, क्या हो रहा है। नंबर 6 पे संजू सैमसन खेलता है, नंबर 6 पे जो पंजाब का जितेश शर्मा इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए उनको खिलाइए ना, नंबर 3 पर संजू सैमसन खेलते उनको अब खिला ही नहीं रहे हो। क्या है ये तरीका, किसी को भी कभी भी कहीं भी खिला देते हो। अभी कुछ दिन पहले ही आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5 कर दम नंबर 3 पे कर दिए। दूसरा मेन वजह है इंडिया का 7 नंबर के बाद बैटिंग खत्म ही हो जाता है, इसीलिए बार बार इंडिया क्रिकेट को बोला जाता है कि आप ऑलराउंडर्स को खिलाइए, ऑलराउंडर्स को खिलाइए। लेकिन ये क्या करते हैं, कोई पूरा बॉलर ही खेलेगा या पूरा कोई बैट्समैन ही खेलेगा। अरे शार्दुल ठाकुर को अधिक से अधिक मौका दीजिए, दीपक चहर को अधिक से अधिक मौका दीजिए, कुलदीप यादव, यूजी चहल, इनसे बैटिंग नहीं होने वाला है। दोनों एक साथ भले वनडे में खेल सकते हैं लेकिन T20 में इन्हें दोनों एक साथ मत खिलाइए। आप शार्दुल ठाकुर को मौका दीजिए, वो बैटिंग बॉलिंग, अरे शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग नहीं आता फिर भी वो आपके लिए यूजी से ज़्यादा ही विकेट कभी कभी चटका देते हैं। तो आप शार्दुल को खिला के तो देखिए एक बार, चांस तो देखिए, देखिए आप चांस ही नहीं देते हैं। तो मेरे ये दो वजह था जिसके वजह से इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 हारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे। देखिए लाइक और कमेंट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करिएगा नहीं करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, उस पर आपको कमेंट करना, कुछ कहना तब कह सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से वो चैनल का जो आदमी उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है। तो प्लीज़।